Hello and welcome to Achieve Sahib, dear learners. This is the second part of Unit 1 of Block 1. हम MA Psychology के जो syllabus है उसको discuss कर रहे हैं और ये जो topics हैं in general discuss कर रहे हैं जिससे कि जो भी person इन topics को learn करना चाहता है, understand करना चाहता है वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। हमारा जो आज का topic है screen पर आपके सामने है Domains of Cognitive Psychology। इससे पहले हम part 1 में Cognitive Psychology के बारे में detail में पढ़ चुके हैं और साथ ही हमने ये भी discuss किया था कि Cognitive Psychology की field में जो research methods होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक आइडिया हम लगा चुके हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ टॉपिक आपका किसी भी पार्ट में कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को भी समझें कि उसके डोमेन्स क्या है, यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहाँ कहाँ वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले क्विकली रिवीजन करते हैं जो लास्ट हमने पढ़ा था, उसमें से इतना ही समझेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है जिससे आप टॉपिक को कनेक्ट करने में आसानी रहे। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो डिफरेंट एरियाज से, जो हमारे डिफरेंट परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो नॉलेज लेवल होता है उसके साथ डील करती है। क्या हम समझ पाते हैं, कितना हम समझ पाते हैं, कैसे हम परसीव करते हैं, ये सारे जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो सब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, बहुत सारे एरियाज आते हैं। जैसे सबसे सामने तो आपको दिख ही रहा है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस एक साथ दिखेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सबसे पहले एक ब्रांच आती है, एक फील्ड आती है, एक एरिया ऑफ रिसर्च है। इन सबको हम प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च कहलाते हैं। देर आर बेसिकली 12 प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि साइकोलॉजी इन डिफरेंट 12 फील्ड्स में अंडरस्टैंडिंग करती है, रिसर्च करती है, वर्क करती है। ये टॉपिक हाईली कनेक्टेड है। अब इनके अंदर हम टॉपिक्स को और माइन्यूट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस से बात करेंगे। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या है, न्यूरो का मतलब हो गया, ये न्यूरॉन से वर्ड निकल कर आया है, यानी बायोलॉजिकल पार्ट पे चला गया, मींस मेडिकल फील्ड में चला गया। तो जब हम मेडिकल फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं तो जब वहाँ से वो ब्रांच बनकर आती है वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहलाती है। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट, बेसिकली जिन्हें हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के संग वर्क करते हैं टू फिगर आउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। देखिए, साइकोलॉजी जिस ब्रांच के साथ भी जुड़ती है, जिस चीज़ के साथ भी जुड़ती है, उसके उन चीज़ों को साइकोलॉजिकल लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। तो जो कुछ भी न्यूरोसाइंटिस्ट वर्क करते हैं, जब उनके संग साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, तो दोनों टाइप के जो लोग होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट, वो आपस में इन चीज़ों को फिगर आउट करते हैं कि कैसे कॉग्निशन का प्रोसेस होता है, कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है, उस पर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आते हैं, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस फ्रॉम सेंसेशन टू मेमोरी इज सपोर्टेड बाय बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्लेस करते हैं। लास्ट लाइन देखिए कि जो भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो सेंसेशन से लेकर मेमोरी तक हो, स्टिमुलाई से कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की फॉर्म में ही हमारे ब्रेन में होते हैं, नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, दैट मीन्स बायोलॉजी साइकोलॉजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है, बहुत डीपर लेवल पर हम उसको पढ़ते हैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगले प्रिंसिपल एरिया की बात करें, तो वो है आपके सामने स्क्रीन पर, दैट इज परसेप्शन। देखिए, हमारा जो भी बिहेवियर निकल कर आता है वो सिचुएशन को हमने कैसे परसीव करा है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट? तो परसेप्शन एक ऐसी ब्रांच हो जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जिसमें हम ये स्टडी करते हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई परसेप्शन फॉर्म होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट परसेप्शंस के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी पर्सन क्यों किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है ऐसा, और वो पूरा प्रोसेस होता कैसे है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि जो परसेप्शन के लिए जो हमें सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं वो सिग्नल्स कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, कैसे वहां से उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारा जो उस चीज़ को परसीव करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है। तो इस चीज़ में लिखा है कि द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ परसेप्शन हैज़ हेल्प्ड
आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस. परसेप्शन सुनने में लगता है कि एक चीज़ है, लेकिन परसेप्शन को जब हम और ब्रेक करते हैं, जब समझते हैं, तो पता चलता है कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर खुद कई सारे चीज़ें आती हैं. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ समझना हमें ज़रूरी होता है. इसमें हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी हेल्प करती है. तो एक ऐसी ब्रांच है परसेप्शन जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा ये भी कहते हैं कि द स्टडी ऑफ परसेप्शन अलोन डज नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. इसमें अदर कॉग्निटिव सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं. ये एक बेसिक चीज़ है. आप लोग क्लास 11 से साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे होंगे तो आप इतनी बेसिक बात ज़रूर जानते होंगे कि साइकोलॉजी में कोई भी प्रोसेस, कोई भी टर्मिनोलॉजी अकेली नहीं चलती, उस पर दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर होता है ना. तो यही चीज़ है जो हम इसमें समझ रहे हैं कि कैसे परसेप्शन भी अकेले पूरा अकाउंटेबल नहीं होता, सारी और भी चीज़ें जो होती हैं वो उस पर अपना इम्पैक्ट डालती हैं. जैसे परसेप्शन में अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना हम मेमोराइज करके रख पाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है. तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे. फिर आता है पैटर्न रिकॉग्निशन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना. हम जो परसीव करते हैं एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्ट्यूमुलाई के लिए हम रेस्पॉन्स करते हैं. तो जो भी सिचुएशन होती है, जो भी पैटर्न रिकॉग्निशन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. मींस जो कुछ भी हम परसीव करते हैं एज अ सिग्नल, एज अ सेंसरी इवेंट, वो हमें मीनिंगफुल पैटर्न होने पर ही हमें समझ में आते हैं. मतलब अगर वो एक पैटर्न फॉर्म में हो रहे हैं तभी हम उसको एक मीनिंगफुल मीनिंग दे पाते हैं, राइट. तो द थिंग्स वी सेंस, सी, हियर, फील, टेस्ट और स्मेल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई. जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें महसूस करते हैं, हमें पता चलती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, हम बेसिकली कह सकते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम परसीव करते हैं वो एक पैटर्न को फॉर्म करती है, राइट. एक डिफरेंट स्टिमुलाई के पैटर्न को फॉर्म करती है. और ऐसी कोई भी सिचुएशन हो गई, जैसे रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एफर्ट इन विच द रीडर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैटर्न. अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें प्रोनंसिएशन पर भी फोकस करना पड़ेगा, रीडिंग स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा, लेटर्स वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके पढ़ना पड़ेगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ पढ़ा, वहाँ से कुछ पढ़ा, उसको बना दिया. एक स्टेटमेंट जो होगा वो मीनिंगफुल होगा. हमें अपने पॉजेस पर भी ध्यान देना होगा कि जहाँ हमारा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है वहाँ ये फील हो कि बात खत्म हो रही है. तो ये जो एंटायर प्रोसेस होता है ये एक पैटर्न को फॉर्म करता है. जब एक पैटर्न बन जाता है तभी वो एक मीनिंगफुल चीज़ निकल कर आती है. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम उसे परसीव नहीं कर पाएंगे. अगर हम उसे परसीव नहीं कर पाएंगे तो हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और फिर हम उसको स्टडी कैसे करेंगे. तो इसीलिए पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ वन ऑफ द फील्ड. वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ आपको लग रही होगी कि इट्स सिंपली लाइक रिकॉग्नाइजिंग अ पैटर्न, बट इट्स नॉट सो. साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्पेशली, ये बहुत सारे हमारे मेंटल एबिलिटीज़ को इंक्लूड कर लेता है. क्योंकि आपने देखा ना, जैसे हमने रीडिंग वाला एग्जांपल लिया, रीडिंग में सिर्फ रीडिंग नहीं है, आपके वर्ड्स की क्लैरिटी, प्रोनंसिएशन, आपके बोलने का तरीका, आपके समझाने का तरीका या आपके पढ़ने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके चल रहा है. तो इसीलिए पैटर्न रिकॉग्निशन एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डीपली अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दी अगेन रिसर्च ऑफ एरिया जो हमने अभी पढ़ा था, प्रिंसिपल रिसर्च ऑफ एरिया. उसके बाद आते हैं अटेंशन. ये तो आप सब जानते हैं, अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं. 11th, 12th ग्रेजुएशन में भी आपने अटेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा. अटेंशन पर डिफरेंट थ्योरीज भी आई हैं. अगर बेसिक बात करें अटेंशन की, तो अटेंशन बहुत बेसिक लेवल पर बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसको आप जानते ही हैं कि सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन. ऐसा अटेंशन जिसको हम जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, आउट ऑफ मैनी थिंग्स, जब हम किसी एक चीज़ पर ध्यान देते हैं तो वो सेलेक्टिव अटेंशन हो जाता है. बट जब वो अटेंशन थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं, यानी वो सस्टेन करता है, रहता है थोड़ी देर, तो वो सस्टेन्ड अटेंशन हो जाता है. इसके अलावा भी अटेंशन के और काइंड होते हैं, जिसमें से एक डिवाइडेड अटेंशन भी होता है. तो डिवाइडेड अटेंशन में हम साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देते होते हैं. तो डिफरेंट अटेंशन जो होते हैं वो बहुत सारा प्रोसेस होल्ड करते हैं. अटेंशन पे करने के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अटेंशन पे कर रहे हैं, तो अटेंशन पे करने में आपको बहुत सारा फोकस लगाना पड़ रहा होगा, राइट. आप ये भी कोशिश करेंगे कि आप जो समझ रहे हैं उसको याद भी करते जाएं. कुछ टॉपिक है जो अपने माइंड में फिक्स करते जाएं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें मिलकर अटेंशन के प्रोसेस को बनाती हैं. या हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम पढ़ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, मगर हमें समझ में आ कितना रहा है. तो जो हमारी कैपेसिटी है वो भी होती है, उसको दो लेवल पर हम डिवाइड करते हैं, सेंसरी एंड कॉग्निटिव. सेंसरी कैपेसिटी होती है कि थ्रू सेंसेस, जो कुछ भी हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, जैसे आँखों से आप देख रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी बन रही होगी साथ में. और कॉग्निटिव का मतलब हो गया जो आप अपने माइंड में स्टोर कर पा रहे हैं, जितना समझ के उसको सेव कर पा रहे हैं, वो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी हो गई. तो अटेंशन में हमें इन दो कैपेसिटीज़ का भी यूज़ करना पड़ता है.
और ये कहते हैं कि इफ टू मेनी सेंसरी क्लूज आर इम्पोज अपॉन अस एट एनी गिवन टाइम वी कैन बिकम ओवरलोडेड. अगर अटेंशन के लिए मैं आपको ये बोलूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, एक समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है, तो आपको डिफिकल्टी होगी, आप इतना अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे. जैसे कि हम अपने वीडियोस में टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, पूरा सिलेबस हम 1 आवर का या 2 आवर का एक वीडियो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो पढ़ेगा, जो पढ़ता है, वो अटेंशन एक टॉपिक पर अच्छे से दे पाता है एक टाइम में, इंस्टेड ऑफ हम बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलोड कर दें. तो यही कहने का इनका मतलब है कि अगर हमें कोई भी मेमोरी क्रिएट करनी है, वो बेटर फॉर्म होगी जब अटेंशन हमारा टू द पॉइंट होगा और ओवरलोडेड नहीं होगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस में कोई ब्रेकडाउन ना आए. तो सिंपल सी बात है कि अटेंशन एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है. ये एक प्रिंसिपल एरिया ऑफ रिसर्च है. देन कम्स कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज व्हाट यू आर अवेयर ऑफ. जो कुछ भी आप जानते होते हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी चीज़ें अपने आसपास की समझते हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं. ये इसको कह सकते हैं कि द करंट अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टांसेस. आपके आसपास जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशंस होती हैं, उनको अगर आप समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वही कॉन्शियसनेस है. कहते हैं ना, कॉन्शियस है, होश वाली कंडीशन में, होश में है इंसान, वही चीज़ होती है कॉन्शियसनेस, और कुछ नया नहीं होता है. लेकिन ये फील्ड एक ऐसी होती है जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि अगेन दिस इज समवेयर कनेक्टेड टू द ब्रेन पार्ट. हमारा जो माइंड है उसके उससे ही एसोसिएटेड है. आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी हम इसके प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च को पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ माइंड से एसोसिएटेड है, ब्रेन से एसोसिएटेड है. अगर न्यूरॉन की बात हो रही है तो बायोलॉजिकल लेवल पर जा रहे हैं, पर ब्रेन की बात हो रही है. अगर कॉन्शियसनेस के बारे में आ रहे हैं तो माइंड के फैक्टर की बात करें. अटेंशन जो है वो हम अपने ब्रेन से, माइंड से पे करते हैं. मेमोरी आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ भी होगी. तो जो भी टॉपिक है वो सब कुछ हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड चीज़ें हैं. तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी फील्ड है जिसमें ये वर्क करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ हिडन इनसाइड. जो कुछ भी हमारा अंदर की छुपी हुई चीज़ें होती हैं, वो भी बाहर निकालने की कोशिश की जाती है. कॉन्शियसनेस में हम प्रेजेंट सिचुएशन को जानते होते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे अंदर कॉन्शियसली, जो हम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चीज़ें जो गेन करते जाते हैं, उसके कंसेप्ट को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अब स्टडी किया जाता है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मेमोरी पर. मेमोरी में ये कहते हैं कि मेमोरी और परसेप्शन एक साथ वर्क करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम परसीव करते हैं उसको हमें सेव करना ज़रूरी है. अगर हमने उसको परसीव नहीं किया, परसीव करने का मतलब ही यही है कि कुछ आपने, मैंने कहा कि आपने इस टॉपिक को परसीव किया, दैट मीन्स समवेयर यू सेव्ड इट इन योर माइंड, सेव्ड समवेयर इट, राइट. तो मेमोरी का मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि मेमोरी और परसेप्शन साथ साथ वर्क करते हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे परसेप्शन से आती है निकलकर, जो हम जो परसीव करते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती जाती है. तो इसीलिए मेमोरी जो होती है वो परसेप्शन के साथ वर्क करती है. अगर परसेप्शन की फील्ड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली मेमोरी की फील्ड में भी ये एसोसिएटेड होगी. इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं. फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ह्यूमन कॉग्निशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. जो हमारी कॉग्निशन होता है वो हमारी नॉलेज से ही तो रिप्रेजेंट होता है. अगर आप किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हाउ इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज़, तो वो जो अपना इंटेलिजेंस आपके सामने शो करेगा, वो डिफरेंट कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ के फॉर्म में शो करेगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के फॉर्म में शो करेगा, और उसी से आपको पता चलेगा कि उसकी नॉलेज कितनी है. तो हाउ इन्फॉर्मेशन इज सिम्बोलाइज्ड एंड कम्बाइंड विद द थिंग्स स्टोर्ड इन द ब्रेन, ये रहता है हमारे ब्रेन में. दिस पार्ट ऑफ कॉग्निशन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, द कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन माइंड एंड द ब्रेन, वे द ब्रेन स्टोर्स एंड पजेसेस इन्फॉर्मेशन. कॉग्निशन के भी दो आस्पेक्ट होते हैं. हमने रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, उससे पहले चीज़ें काफ़ी सारी कुछ होती हैं, कि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा माइंड कितना उसको कंसेप्ट को अपने माइंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने माइंड में कितना स्टोर कर सकता है, और उसके बाद ब्रेन इसको कितना प्रोसेस कर सकता है नॉलेज को. क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज यही चीज़ हो गई कि कैसे पूरी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो ये कंटेंट होता है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ ह्यूजली डिफरेंट, बट बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल वेब एंड ट्रैप्स इन्फॉर्मेशन वो उस चीज़ को पर वर्क करते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं. और ये भी एक फील्ड है जो कि प्रिंसिपल एरिया ऑफ रिसर्च में आता है. इसके बाद आता है इमेजरी. व्हाट इज़ दिस इमेजरी? कि जो कुछ भी हमारा नॉलेज का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक मैप की फॉर्म में होता है. आपने कुछ भी, जो भी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये चीज़ समझी कि जो कुछ भी हम परसीव करते हैं वो हमारे माइंड में एक मैप की तरह बनता है. बट पहले वो इन्फॉर्मेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि मैप बन पाए. इमेजरी तब आएगा जब आपके माइंड ने इन्फॉर्मेशन को
अच्छे से परसीव किया, उसे एक मेमोरी की फॉर्म में स्टोर किया, तभी तो आप उस नॉलेज को अपने अंदर परसीव कर पाएंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने किसी भी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देखा जो आपके काम का है या जो जो भी आपने उससे अंडरस्टैंड किया, अब आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी, एक इमेज बनेगी कि ओके इस आर्टिकल में ये दिया है, या फिर ये इस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू के बारे में है, यहाँ जाना है, जो कुछ भी है, कुछ भी वो चीज़ हो सकती है। आप जब भी कुछ देखते हैं तो उसके माइंड आपके माइंड में एक मैपिंग होती है, उस चीज़ की मैप बन जाता है। अगर आपका फ्रेंड आपसे ये कहता है कि आपको मेरे घर आना है और ऐसे ऐसे आना है, तो आप उस सिचुएशन को माइंड में पिक्चराइज करते हैं और उसकी एक मैपिंग कर लेते हैं। यही चीज़ होती है इमेजरी। लेकिन इससे पहले उस नॉलेज का आपके दिमाग के अंदर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप उसकी नॉलेज अच्छे से परसीव करेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपने उसको समझा नहीं, परसीव नहीं किया, तो ना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज माइंड के अंदर हो पाएगा और ना ही उसकी इमेज बन पाएगी। जो ये इमेजरी होता है, ये हमारे माइंड के अंदर एक कॉग्निटिव मैप होता है। जो आपने रैट वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है पहले लर्निंग की थ्योरीज में, वहाँ पर भी यही होता है कि जो रैट्स होते हैं जब वो मेज़ में छोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनके माइंड में कॉग्निटिव मैप बन जाता है। वहीं से कॉन्सेप्ट आया भी था कॉग्निटिव मैप का, और उसी की हेल्प से वो मेज़ को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कॉग्निटिव मैपिंग क्या होती है, काइंड ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हर पर्सन के साथ होती है। आपकी मॉम आपसे कहती है कि ओके गो एंड बाय दीज थिंग्स फ्रॉम दी शॉप, वहाँ से वहाँ चले जाना और उसके बाद दूसरे वर्क को भी कर लेना। आपके माइंड में तुरंत मैप बन जाता है कि ओके पहले मैं इसे शॉप पे स्टे करूंगा, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। एकदम से आपके माइंड में मैप बन जाता है, राइट? जबकि आप रोड जानते होते हैं, सब जानते होते हैं, फिर भी आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाती है। तो ये सब कुछ है इमेजरी। अब इस फील्ड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्क करती है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी माइंड की मैपिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम जानते हैं। लेकिन लैंग्वेज इज वन फॉर्म ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन सोसाइटी इज द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द प्रिंसिपल मीन्स बाय विच वी एक्वायर एंड एक्सप्रेस नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज बहुत है बट वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, देन देर इज नो यूज ऑफ दैट नॉलेज। तो लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल कंसर्न है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और ना सिर्फ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट ब्रांचेज में साइकोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सेंट्रल कंसर्न बन के चलती है। क्योंकि ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है वही उसकी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं कि उसने क्या परसीव किया, आप उससे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो थ्रू द लैंग्वेज ओनली द पर्सन विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब ह्यूमन ग्रो करता है तो उसका ब्रेन ग्रो करता है, उसकी हर एक कॉग्निटिव एबिलिटी ग्रो करती है। आप देखिए, जब आप 5-6 ईयर्स ओल्ड के थे तब आप किसी चीज़ को कैसे समझते थे, और आप जब आप बड़े हो गए हैं, आप काफ़ी बड़े हो गए होंगे, जब आप एमए के इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तब आप इस टॉपिक को कैसे समझ रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वो ना केवल फिजिकल लेवल पर होता है, ना केवल सोशल लेवल पर होता है, बल्कि मेंटल लेवल पर होता है, कॉग्निटिव लेवल पर होता है। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइकोलॉजी से उससे कनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। देन कम्स थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया। थिंकिंग तो एक ऐसा कह सकते हैं, लिखा भी है कि थिंकिंग इज द क्राउन जेवल ऑफ कॉग्निशन। सोचे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कॉग्निशन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो थिंकिंग है। अगर हम कॉग्निशन में किसी भी एक्टिविटी को, मेंटल एक्टिविटी को टॉप पर रखते हैं तो वो थिंकिंग होती है। क्योंकि परसीव तो आप कुछ तभी करते हैं जब थिंक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग कुछ टॉप प्रायोरिटीज़ में रहते हैं कॉग्निशन के प्रोसेस में। तो थिंकिंग से ही एक नया मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, पास ऑन होती है। आपने कुछ सोचा तभी तो किसी को बताया, आपके माइंड में कोई चीज़ आई तभी तो आपने कुछ शेयर किया। तो थिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये कह सकते हैं कॉग्निशन प्रोसेस। इसके अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो थिंकिंग का कंसेप्ट होता है वो कोई पर्सन कैसे सोच पाता है। एंड एबिलिटी टू थिंक एंड फॉर्म कंसेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा ये जो हमारा थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। अगेन आई विल टेल यू कि थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक आपके लिए एक छोटी सी चीज़ होती है। हमने कहा कि हमने कुछ सोचा, इट फील्स लाइक वेरी सिंपल, बट इट इज़ नॉट सो। थिंकिंग इज़ नॉट सो। इसमें हमें क्या है, बहुत सारे बारीक चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने किसी स्टिम्यूलाई को देखा, एक वो सिचुएशन हो गई, उसके लिए हमने रिएक्शन किया, उस पर हमारे ब्रेन ने जो सिग्नल्स रिसीव करे, तब जाके थिंकिंग का प्रोसेस होता है। तो थिंकिंग से ही कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है जो हम इसमें समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन द लास्ट इज ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन जिस तरह से सोचता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी की एक कॉपी है, रेप्लिका है, राइट? तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इंटरफेयर कर लेती है, एक प्रिंसिपल रिसर्च ऑफ एरिया बन जाता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलेगा ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ह्यूमन की जिस तरह से जो ब्रेन है वो ओवर द टाइम इतना ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चेंजेस आएंगे आगे चलकर, वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, पता चलेंगे, तो उसको तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ चलना ही चलना पड़ेगा, वो तो अलग हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी किसी पर्सन के आइडियाज़ होते हैं, थिंकिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब कुछ उसको भी स्टडी करना है। तो द लास्ट में हम इस टॉपिक को सम अप करते हैं। द स्पेशलिटी विद इन द कंप्यूटर साइंस कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ लेड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस, स्पेशली सिंस द डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ हाउ वी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस तरीके से हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंट प्रिंसिपल एरियाज़ हैं इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। ये हमने आज के इस टॉपिक में सिर्फ एक ही टॉपिक को लिया है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझना भी चाहिए डिटेल में, और आपको एग्जॉस्ट करने का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए बहुत सारे टॉपिक एक वीडियो में हम नहीं लेते हैं। अब हम आगे, अब देख सकते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, पता चलेगा आपको कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हिस्ट्री वाला पार्ट क्या है। तो उसके लिए आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी डाउट इस टॉपिक में आपको है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कॉमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और ये पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, आप जैसा कि देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट आप इसके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, हमारे साथ साइकोलॉजी को पढ़िए, और अपने बेहतरीन से रिव्यूज़ हमें देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।